ऊंची ऊंची बिल्डिंग और उनके डिजाइन हमें बेहद आकर्षित करते हैं। बुर्ज खलीफा, सीएन टावर जैसे इमारतों ने दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। क्या आपको पता है आप भी ऐसी बिल्डिंग का निर्माण कर सकते हैं? यकीन नहीं होता तो आइए देखते हैं ये सेगमेंट कैरियर निर्माण। हमारे देश में आर्किटेक्चर की लोकप्रियता 2700 ईसा पूर्व से है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के आगमन के दौरान इमारतों के निर्माण के साथ ही भारत में आर्किटेक्चर की शुरुआत हुई और देखा जाए तो आज भारतीय आर्किटेक्चर की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान और महत्व है। किसी भी बिल्डिंग का डिजाइन वो बेसिकली आर्किटेक्चर में आता है। मकान बनाने का जो तरीका है, किस तरीके का मकान बनेगा, उसमें कौन से कमरे कहाँ पर आएंगे, स्टेयर केस कहाँ पर होना चाहिए, फायर एस्केप्स वगैरह के लिए कितनी डिस्टेंसेस, क्या रूल्स, कितनी जगह चाहिए होती है पैसेज वगैरह के लिए, ये जो सारी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करना और जो भी प्लॉट है, फ्लैट है, बायलॉज वगैरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत इन सब चीज़ों को एक ऐसे जगह, एक ऐसे तरीके से रखना जिससे कि जो लोग उस बिल्डिंग के अंदर जाएं या कुछ काम करें, उन स्पेसेस को यूज़ करें, उनको यूज़ करने में तकलीफ ना हो, उनको अच्छा लगे। सो ये जो काम है ये बेसिकली आर्किटेक्चरल डिज़ाइन कहलाता है और जो बिल्डिंग इस तरीके से बनाई जाती है उसी को आर्किटेक्चर कहते हैं। बिल्डिंग के निर्माण में रुचि रखने वालों के लिए आर्किटेक्ट बनना आसान माना जाता है। यदि आपका सपना आर्किटेक्ट बनने का है तो 10+2 के बाद आप बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर यानी कि बी आर्क में दाखिला ले सकते हैं, जो कि 5 साल का कोर्स होता है। AIEEE द्वारा संचालित एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके आप गवर्नमेंट कॉलेज में BArch की पढ़ाई भी कर सकते हैं। वहीं काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा ऑर्गेनाइज कराए जाने वाले एग्जाम NATA यानी कि नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर को पास करके आप सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं। आर्किटेक्चर की पढ़ाई के दौरान आपको विभिन्न विषयों को पढ़ाया जाता है, जैसे कि इंटीरियर डिजाइनिंग, टाउन प्लानिंग आदि। ये कोर्स बाकी कोर्सेज से लंबा है, इसकी ड्यूरेशन है पूरी 5 साल का कोर्स होता है और इसमें 1 साल पूरा इंटर्नशिप पे जाता है। इसमें काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर एक बॉडी है जिसमें वो बच्चे को रजिस्टर होना पड़ेगा, जब वो पास आउट होता है तभी वो प्रैक्टिस कर सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस कोर्स में आने के लिए है कि आपको 12th पास होना चाहिए, 12th में आपका मैथ्स होना ज़रूरी है। भले आपने मैथ्स कॉमर्स बैकग्राउंड से भी लिया हो तो भी आप आर्किटेक्चर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 तरीके के एंट्रेंस हैं, एक है जो AIEEE के थ्रू से होता है, बेसिकली एक जॉइंट इंजीनियरिंग कोर्स है, उसमें एक अलग से सेक्शन है आर्किटेक्चर का। दूसरा तरीका है इट्स कॉल्ड NATA, NATA, जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के ही एक बॉडी, मतलब उनके एक सिस्टर बॉडी की तरफ से बनाया गया है। ये कम्प्लीटली ऑनलाइन एग्जाम होता है, अलग अलग कॉलेजेस में NATA सेंटर्स हैं तो NATA में एग्ज़ाम होता है, उसमें ग्रेडिंग होती है। NATA आप क्लास 10th के बाद कभी भी ले सकते हैं और एडमिशन के टाइम पे जो कॉलेजेस NATA के थ्रू एडमिशन लेते हैं वहाँ NATA का स्कोर कार्ड और CBSE या क्लास 12th का जो स्कोर कार्ड है ये दोनों जमा होते हैं। इसके 50% 50% वेटेज करके इन दोनों को मिलाया जाता है और उससे मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। 5 साल का बैचलर्स कोर्स करने के बाद आप काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में रजिस्टर किए जाते हैं, जिसके बाद आप किसी फर्म में अपना हुनर दिखा सकते हैं। इतना ही नहीं, आप खुद का स्टूडियो खोलकर एंटरप्रेनर भी बन सकते हैं। प्राइवेट ऑप्शंस बहुत हैं। नंबर 1, जो आर्किटेक्ट्स काफी देर से काम कर रहे हैं, तजर्बेकार वास्तुकार जिनको कहा, और फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, DDA, MCD, ऑल इंडिया, हर ऑर्गेनाइजेशन में एक आर्किटेक्चर विंग होता है, तो वहाँ पे उनकी जॉब प्लेसमेंट्स हो जाती है। कुछ देर करने के बाद इतना स्कोप है कि आप जो है 3-4 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद अपना काम शुरू कर सकते हैं। बैचलर करने के बाद ऑलरेडी आप प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट हो सकते हैं, आपको आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में। लाइसेंस लेने के बाद एक ग्रेजुएट आर्किटेक्ट डेफिनेटली अपना काम शुरू कर सकता है। आर्किटेक्चर के कोर्स के बाद आपके पास दोनों ऑप्शंस खुले हैं, आप चाहें तो मास्टर्स भी कर सकते हैं, दूसरा अपने करियर की शुरुआत भी कर सकते हैं। इस फील्ड में स्कोप तो बहुत है। रिपोर्ट्स की माने तो अभी भारत में आर्किटेक्ट्स की बहुत कमी है, केवल 60 से 65 हजार आर्किटेक्ट ही रजिस्टर्स हैं।
जबकि वर्तमान समय में अभी कम से कम 5 लाख आर्किटेक्ट की जरूरत है। बढ़ते हुए अर्बनाइजेशन से इस इंडस्ट्री में और भी जॉब क्रिएट होंगे। भारत में 5 लाख आर्किटेक्ट की जरूरत के मुकाबले केवल 60,000 रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट है। बढ़ती हुई कमर्शियल स्पेस के बावजूद देश में आर्किटेक्ट की कमी है। इस पेशे में प्रैक्टिस की और भी ज्यादा आवश्यकता है। छात्रों का झुकाव हाई पेड जॉब्स की तरफ ज्यादा है, तो हायर एजुकेशन में भी बहुत सारे स्कोप्स हैं कि आप मास्टर्स कर सकते हैं। आर्किटेक्ट के बाद भी बहुत सारी स्ट्रीम्स खुल जाती हैं हमारे लिए। प्लानिंग है, अर्बन डिज़ाइन है, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैफिक प्लानिंग आ जाती है, इंटीरियर डिज़ाइन है, लैंडस्केप है, सस्टेनेबिलिटी है, रियल इस्टेट मैनेजमेंट है। 2006 के बाद जो है, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग देखी जाए तो एक तो चाइना, इंडिया और ब्राज़ील, ये 3 देश हैं जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण बड़ा तेज़ी से हो रहा है। और जितनी रिक्वायरमेंट हमारे को प्रोफेशनल की अब है, पहले किसी भी प्रकार की इस तरह की ज़रूरत नहीं होती थी। बाकी कंट्रीज़ में हर 10,000 पे एक आर्किटेक्ट है, और जो डेवलप वर्ल्ड है वहाँ तो जैसे अमेरिका है, वहाँ हर 1,000 पॉपुलेशन पे एक आर्किटेक्ट है। हमारी कंट्री में देखा जाए तो 30,000 पे एक आर्किटेक्ट है अभी। तो हमें तो 30 गुना और आर्किटेक्ट चाहिए आज के निर्माण और डेवलपमेंट देखते हुए। कोर्स के दौरान की गई मेहनत और लगन से आप अच्छे आर्किटेक्ट बन सकते हैं और बाकी आर्किटेक्ट जैसे बीवी दोषी, चार्ल्स कोरिया की तरह प्रसिद्ध भी हो सकते हैं। ये कैरियर ऑप्शन आपको नेम और फेम दोनों दिला सकता है।